हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू एंड डिटेल आपके साथ शेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो एंड देखते हैं आज के अपने प्रोडक्ट को। सो गाइस, आप अपने स्किन पर देख सकते हो, यह है लैक्टो कैलामाइन लाइट मॉइस्चराइजिंग जेल नियासिनामाइड विद विटामिन ई एंड B5 एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड फॉर नॉन स्टिकी हाइड्रेशन, पैराबेन फ्री है और ऑल स्किन टाइप से यूज कर सकते हैं। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 150 ग्राम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की एंड इसकी डिटेल जो मेंशनड है वो भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो इसकी जो ओवरऑल पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की है एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो टब लाइक है, तो आप देख सकते हो। एंड ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसमें आपको अमाउंट नहीं दिखेगा, बट ये टब के शेप में है, स्ट्रक्चर में है, तो आप इसको ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा अपना प्रोडक्ट भी। तो आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर वही सब मेंशनड है जो इसके टॉप पर मेंशनड है डिटेल्स, तो आप देख सकते हो। एंड इसके इस तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा हुआ है, मार्केटिंग बाय लिखा हुआ है एंड फीडबैक क्वेरीज की डिटेल मेंशनड है, तो आप देख सकते हो। और टोल फ्री नंबर एंड मेल दिया हुआ है, तो आप मेल करके भी पूछ सकते हो। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 150 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो आप इसमें आपको एक 150 ग्राम का एंड 300 ग्राम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको 300 ग्राम में आपको यही टब टू क्वांटिटी में मिलेगा एंड उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसके आगे इसकी शेल्फ लाइफ दे रखी है जो है जून 2023 से लेकर मई 2025 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ये इसकी जो MRP है वो है 299 रुपीज़, बट आपको इससे कम में मिल जाएगा। मैंने इसको 173 रुपीज़ में परचेज़ किया है, तो आप जब परचेस करो तो हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके आगे और चलेंगे तो आप देख सकते हो इसमें आपको 3 मेन इंग्रेडिएंट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जो है वो आपका जो एक्सेस ऑयल होता है फेस से उसको कंट्रोल करता है एंड मेंटेन करता है आपके ग्लो को, और जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। एंड इसमें है विटामिन ई जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करता है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट, सफल एंड स्मूथ बनाने का काम करता है। एंड इसमें है विटामिन B5 एंड हाइलुरोनिक एसिड जो आपको एक इंस्टेंट हाइड्रेशन देते हैं और आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं हाइड्रेशन से। और आप देख सकते हो आपका जो स्किन का टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करते हैं एंड मॉइस्चराइज रखता है एंड आपकी स्किन को सफल बनाने का भी काम करता है। तो आप देख सकते हो इसकी जो डिटेल्स हैं। ओके, तो अब इसके इसका जो नीचे का है उसमें भी इसकी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ओवरऑल डे में 2 टाइम इसको यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपको एक जेल फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। इसको मैन एंड विमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं एंड आपको फेस एंड नेक दोनों कवर करना है जब आप लगा रहे होंगे, तो आप देख सकते हो। अब इसको ओपन कर लेते हैं एंड अगर मैं बात करूँ, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो आराम से। एंड इससे आपको छोटा साइज़ नहीं मिलने वाला, मैंने अभी जब परचेज़ किया था तो ये 150 ग्राम का ही दिख रहा था, छोटा साइज़ इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप इजीली बैग में कैरी कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको फेस मिलने वाला है, इस तरह से आपको पूरी सील मिलेगी एंड आपको साइड से आपको हटाना होगा सील को। और मैंने कुछ इस तरह से हटाने की कोशिश की तो ये थोड़ा कुछ इस तरह से हो गया है, क्योंकि इसकी जो सील है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो आपको देख कर खोलना है। और बाकी मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो आप प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे, ये जो प्रोडक्ट है वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एकदम जेल के फॉर्म में है, बिल्कुल भी थिक मॉइस्चराइज़र नहीं है ये। ओके, अब मैं इसको रब करती हूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ना आपको जेल टाइप में है, जैसे कि आपको पता ही है, तो आपको थोड़ा सा ना कुछ इस तरह का ये दिखेगा, है ना। लेकिन आप जब फेस पे अप्लाई करोगे तो थोड़े टाइम बाद 5 to 10 सेकेंड बाद ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्टिकी नहीं लगने वाला। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, और इसकी जेल बेस में ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा पर्सनली। एंड जैसे कि गाइस इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेन स्किन टाइप की, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए जेल टाइप में मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें है नियासिनामाइड जो आपकी स्किन का जो ओपन पोर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से मिनिमाइज़ करता है, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, और आपकी स्किन को ना स्मूथ, टेक्चर एंड सफल बनाने का काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट ड्राई स्किन को जैसे कि आपको पता है कि आप विंटर्स आ रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, सॉरी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आप
एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग जो है वो यूज़ कर सकते हो। बाकी सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, आप फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल से परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। और ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।